सो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू फोटो एडिटिंग वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का गणेश चतुर्थी स्पेशल फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, अगर आप लोगों को वह वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को सिंपली वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह का गणेश चतुर्थी स्पेशल फोटो एडिटिंग करना सीखना तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, इंस्टाग्राम आईडी नेम RSP Editing। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जितना भी बैकग्राउंड PNG का यूज करूंगा सभी का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दिया हूं, तो आप जाके वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड ऐड हो जाने के बाद सबसे पहले आप यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ से रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को आप रिसाइज कर लीजिएगा। रिसाइज करने से यह होता है कि आपके बैकग्राउंड का जो क्वालिटी होता है वो लॉस नहीं होता है। चलिए हम यहाँ से रिसाइज कर लेते हैं। बैकग्राउंड रिसाइज हो जाने के बाद अब आप यहां से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहां से हम इस वाले PNG को ऐड कर लेंगे। और इसको कुछ इस प्रकार से जूम करके यहां से रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से इसको लेफ्ट साइड में हम इसको लगा लेंगे। अब यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको हम कुछ इस प्रकार से राइट साइड में हम इसको लगा लेंगे। यहाँ से सिंपली हम डन कर लेंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। इसके बैकग्राउंड को हम पहले ही इरेज कर चुके हैं। अगर आपको भी जानना है कि फुल HD क्वालिटी में जस्ट वन क्लिक में बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को सिंपली वॉच कर सकते हैं। अब हम कुछ इस प्रकार से अपने मॉडल को जूम कर लेंगे और इस बैकग्राउंड को इसको हम प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ सिंपली हम डन कर लेंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक तिलक की PNG को ऐड कर लेंगे। इस वाले PNG को ऐड करेंगे हम और इसको कुछ इस प्रकार से छोटा करके अपने मॉडल के ब्रेन में हम इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से ऑपेसिटी थोड़ा हम कम कर लेंगे ताकि देखने में थोड़ा सा भी फेक सा ना लगे। अब यहाँ से सिंपली डन कर लेंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम इस वाले PNG को ऐड कर लेंगे। इस वाले PNG का नेम मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वाले PNG को हम कुछ इस प्रकार से छोटा करके अपने मॉडल के हम ब्रेन में इसको भी प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से इसको हम इरेज कर लेंगे। अब सिंपली हम यहाँ से डन कर लेंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम इस वाले PNG को ऐड कर लेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से जूम करके इसको हम नीचे की ओर इसको हम लगा लेंगे। यहाँ से ओपेसिटी थोड़ा हम कम कर लेंगे। अब यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हार्डनेस को हम कम कर लेंगे, साइज अपने मुताबिक सेलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से हम इसको हल्का हल्का इरेज कर लेंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम इस वाले PNG को ऐड कर लेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से जूम करके यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से हम इस वाले पार्ट को इरेज कर लेंगे।
अब यहाँ से हम डन कर लेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से हम इसको राइट साइड में लगाएंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और इस और यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेंगे और इसको भी कुछ इस प्रकार से लेफ्ट साइड में लगा लेंगे। अब यहाँ सिंपली हम इसको डन कर लेंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से फुल जूम करेंगे और यहाँ से ब्लेंड मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम स्क्रीन पर सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फेस पर से हम इस वाले इफेक्ट को इरेज कर लेंगे। अब यहाँ सिंपली हम इसको डन कर लेंगे। अब यहाँ से हम ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को हम सेव कर लेंगे और इस वाले फोटो को हम लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करेंगे। तो चलिए हम इस वाले फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करते हैं। लाइटरूम एप्लीकेशन में फोटो ओपन हो जाने के बाद यहाँ से हम लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके एक्सपोजर को थोड़ा हम इंक्रीज कर लेंगे, इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा हम डिक्रीज कर लेंगे, हाईलाइट थोड़ा हम कम कर लेंगे, शैडो थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ से हम कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मिक्स टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ग्रीन कलर पर क्लिक करेंगे और इसके सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेंगे और इसके ह्यू को हम डिक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ से हम ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे और इसके भी सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और ह्यू को थोड़ा डिक्रीज कर लेंगे, लुमिनस थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं हम। अब यहाँ से हम डन कर लेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा वाइब्रेंस भी इंक्रीज कर लेंगे। अब हम इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने फोटो में थोड़ा हम बिगनेट को ऐड कर लेंगे। अब हम शार्पनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और अपने फोटो में थोड़ा हम शार्पनेस को ऐड कर लेते हैं, डिटेल्स हम फुल इंक्रीज कर लेते हैं, नॉइज रिडक्शन भी देते हैं हम, कॉन्ट्रास्ट भी देते हैं हम। अब यहाँ से हम शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को हम सेव कर लेंगे। सो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।